जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी पोर्टल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोल इंडिया रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में, जहां पर कोल इंडिया के डिपार्टमेंट से 2022 के लिए सीधी भर्तियां जारी हो चुकी हैं, साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर इस भर्ती के लिए खास बात यह है कि अगर आप लोग केवल और केवल 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल और केवल 12वीं पास हैं और आपका भी सपना है 2022 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाने का, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग सरकारी नौकरी से संबंधित संपूर्ण अपडेट अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं ECL कोल इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में, जहां पर ईस्टर्न कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट से 2022 के लिए सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, साथ में यहां पर आपको इस भर्ती के लिए कब से कब तक और कैसे अप्लाई करना होगा, साथ में यहां पर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी कोल इंडिया के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं, साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में आपकी एज लिमिट क्या है, ताकि मैं आपके राज्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ में एज लिमिट के हिसाब से सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें 313 पदों पर भर्तियाँ जारी हो चुकी हैं, साथ में ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए अगर आप लोग भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे आवेदन कर पाएंगे। साथ में दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे आज की टॉप 5 वैकेंसियों के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें BSF के डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडियन आर्मी के डिपार्टमेंट से, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एवं पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से 2022 की सीधी भर्तियां जारी हो चुकी हैं, साथ में आवेदन भी शुरू हो चुका है, जिनका अप्लाई करने का लिंक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.alljobgyan.com पर देखने के लिए मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए ₹1000 अप्लीकेशन फीस लगने वाली है। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच है तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर SST के लिए 5 वर्ष की तथा ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्वालिफिकेशन एवं एग्जाम के आधार पर करवाया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप केवल और केवल 12वीं पास हैं या फिर आपके पास कोई अन्य डिग्री है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती के लिए पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी लगभग ₹32,585 पर मंथ की। बात करते हैं यहाँ पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट
इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे आप, चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने की 10 मार्च 2022। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको 10 मार्च 2022 के पहले आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।